बोलो ना माइक में। आगे मत भाई, हटना है यार आगे से। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था, जिनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था, क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था, क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें, जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे, जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है, ये सड़क काफी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू करेंगे।